बात इतना तक आ गई है कि अब सीधे सीधे आंगनबाड़ियों को निकालने और उनके पेट पे लात मारने वाली बात हो गई है सरकार। तो अब हम आपके माध्यम से, इस मीडिया बंधु के माध्यम से, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो आने वाले 2027 के चुनाव में हम ना कि सरकार का विरोध करेंगे, एक भी बीजेपी का नेता गाँव से बाहर सही सलामत नहीं जाएगा। और ये बात हम कह रहे हैं, चाहे मेरे ऊपर चाहे कोई भी कार्रवाई करना हो कर सकती है सरकार, लेकिन अब बर्दाश्त कर से बाहर हो चुकी है। अब तक हम लोगों ने सरकार का सपोर्ट किया, जैसे भी सरकार ने किया, हमने उनका सारे योजनाओं का काम किया, फ्री में किया, अन्य विभाग का भी काम किया, लेकिन सरकार अब बहुत गलत कर रही है, जिसके आज हमारी सारी बहनें की बुरा है। आंगनबाड़ियों के शोषण की पराकाष्ठा हो चुकी है। 6 सेवाओं के नाम पे हम उनके सरकार के दिए हर काम करते हैं, ग्राम समाज से लेकर के हम प्रदेश स्तर तक के सारे काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय के नाम पे 6,000 दिया जाता है। और जो कुछ पैसे अगर देते हैं तो जैसे लगता है भीख के बराबर वो दे रहे हैं। उसमें बहुत सारी आज गोरखपुर के लक्ष्मी भाई पार्क नगर निगम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार कई सालों से ये लोग अपनी मांग और अधिकार के लिए की आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनकी बातों पे गौर नहीं कर रही। आज फिर लक्ष्मी भाई पार्क में मौजूद है और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग का आंदोलन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो कई हमारे है। 1975 में ये संगठन जब से बना है उस समय से लेकर हम आज तक हमारे मांगे रहे हैं कि सरकार हमें जितना काम करवाती है उसके अनुसार हमको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो 1975 से हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन और ऐसे रैलियों के जुलूस के माध्यम से हमने सरकार तक अपनी बात को, अपनी मांगों को पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। और कुछ मांगे पूरी भी हुई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मांगे वास्तव में जो सही है उसको आज तक सरकार ने नहीं माना। जिसके जैसे अभी सरकार का आनन फानन में ये निर्णय आया है कि जो आंगनबाड़ी सेंटर है उस आंगनबाड़ी सेंटर पे एक एजुकेटर रखा जाएगा, और ये एजुकेटर आंगनबाड़ी सेंटर पे रहेगा। हर आंगनबाड़ी सेंटर पे एक एजुकेटर रखे जाएंगे और वो आंगनबाड़ी सेंटर पे जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। जबकि 1975 से हमारा जो विभाग है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, इसीलिए सिर्फ पढ़ाने का काम ही नहीं, बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य भी काम करती हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग का काम भी करती है, टीकाकरण हुआ, दस्तक अभियान हुआ, जनगणना हुआ, इस अन्य विभाग का भी येलो का काम हुआ, आंगनबाड़ियां करती आ रही हैं। और सिर्फ इतने सारे विभाग का काम करने के बाद मात्र सिर्फ 6,000 रुपया सरकार हमको पारिश्रमिक देती है, मानदेय देती है। और हमने सरकार तक अपनी डिमांड हमेशा से रखा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो उसने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 120 दिन में हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन आज तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी सरकार ने 100 सम्मानजनक तो दूर की बात है, सिर्फ 6,000 मानदेय देती है। और अब जाके ये नई योजना लाई है कि हर आंगनबाड़ी सेंटर पे एक एजुकेटर रखा जाएगा जो सिर्फ 4 घंटे बच्चों को पढ़ाएगा, उसके लिए सरकार उसको 10,313 रुपया मानदेय दे रही है, साथ में पीएफ भी का लाभ भी दे रहा है, जबकि आंगनबाड़ियों को कोई पीएफ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि 62 साल के बाद रिटायर होने के बाद में आंगनबाड़ियों को 1 रुपया नहीं मिलता है। ये सरासर आंगनबाड़ियों के पेट पर लात मारने वाला काम सरकार की है, जिसके विरोध में आज ये धरना। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो तमाम आप लोग के आंदोलन में सहभागिता करते, तब तो मुख्यमंत्री हो गए, अब अपनी बात वहाँ तक आप लोग पहुँचाते हैं तो क्या करते हैं? पहुंचाते हैं हम लोग बार बार उनके उनसे बैठक भी, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि मौर्य जी, बार बार उनसे बैठक हमारी प्रदेश कमेटी करती आ रही है, लेकिन हर बार उन्होंने बस यही कहा कि हम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। झूठा वादा, आज तक सिर्फ झूठा ही वादा किया उन्होंने, जो भी कहा वो सब झूठा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आप लोगों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और अब तो अब बात इतना तक आ गई है कि अब सीधे सीधे आंगनबाड़ियों को निकालने और उनके पेट पे लात मारने वाली बात हो गई है सरकार। तो अब हम आपके माध्यम से, इस मीडिया बंधु के माध्यम से, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया तो आने वाले 2027 के चुनाव में हम ना कि सरकार का विरोध करेंगे, एक भी बीजेपी का नेता गांव से बाहर सही सलामत नहीं जाएगा। और ये बात हम कह रहे हैं, चाहे मेरे ऊपर चाहे कोई भी कार्रवाई करना हो कर सकती है सरकार, लेकिन अब बर्दाश्त कर से बाहर हो चुकी है। अब तक हम लोगों ने सरकार का सपोर्ट किया, जैसे भी सरकार ने किया, हमने उनका सारे योजना को काम किया, फ्री में किया, अन्य विभाग का भी काम किया, लेकिन सरकार अब बहुत गलत कर रही है, जिसके आज हमारी सारी बहनें, पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें बहुत ही आक्रोशित हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज ये धरना प्रदर्शन और रैली हो रही है। 75 जिलों में रैली, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये?
सरकार का यह रवैया बहुत ही बुरा है। आंगनबाड़ियों के शोषण की पराकाष्ठा हो चुकी है। 6 सेवाओं के नाम पे हम उनके सरकार के दिव्य हर काम करते हैं, ग्राम समाज से लेकर के हम प्रदेश स्तर तक के सारे काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय के नाम पे 6,000 दिया जाता है और जो कुछ पैसे अगर देते हैं तो जैसे लगता है भीख के बराबर वो दे रहे हैं। उसमें बहुत सारी लगा रखे हैं उन्होंने, ऐसी रोके कि हम उसको कभी पूरा ही नहीं कर पाते उनके मानक को। क्या लगता है बीजेपी सरकार में अब आप लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार चल रही है? अब बीजेपी सरकार से हमें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है और अब हम लोगों ने सोच रखा है यदि हम नहीं तो बीजेपी भी नहीं। आप नहीं तो बीजेपी नहीं जी। क्या नाम है आपका? जया मिश्रा। जया मिश्रा किस पद पे हैं? हम लोग उप जिलाध्यक्ष। उप जिलाध्यक्ष है और देख लीजिए यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना चल रहा है। इनका कहना है कि सरकार जो है सिर्फ 6,000 मानदेय देती है हम लोगों को और तमाम विभिन्न तरह के कार्य कराती है, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और इनका साफ कहना है कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो बीजेपी के नेता 2027 के चुनाव में घरों से बाहर निकलने के लिए दुर्लभ हो जाएंगे।